लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। दिल्ली समेत 8 राज्यों में वोटिंग 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। यूपी की 14, दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 और ओडिशा की 6 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर 11 बजे तक 26% मतदान। बंगाल में वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज, ओडिशा में पड़े सबसे कम वोट। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। 42 सीटों पर विधानसभा के लिए मतदान जारी। छठे चरण में मोदी सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। धर्मेंद्र प्रधान, इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और सुभाष सरकार मैदान में। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में आजमा रहे किस्मत। करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल और अनंतनाग राजौरी सीट से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं चुनाव। पीएम मोदी ने लोगों से की वोट डालने की अपील। ट्वीट कर लिखा, लोगों के सहयोग से लोकतंत्र मजबूत होता है, आपका एक एक वोट अहम है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान जारी। पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एलओसी पर हाई अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मताधिकार का किया प्रयोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ डाला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान। तुगलक क्रिसेंट पोलिंग बूथ पर पूर्व राष्ट्रपति ने डाला वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। राहुल गांधी के साथ मतदान केंद्र पहुंची सोनिया गांधी। दोनों ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। महंगाई बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर सीएम केजरीवाल ने डाला वोट। पूरे परिवार के साथ लाइन में लगे दिखे सीएम केजरीवाल। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। कहा, बदलाव और तरक्की के लिए करें वोट। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र में किया मतदान। पूरे परिवार के साथ राज्यपाल देवव्रत ने डाला वोट। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मताधिकार का किया प्रयोग। भुवनेश्वर में पोलिंग बूथ पर सीएम पटनायक ने डाला वोट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने डाला वोट। दिल्ली के हौज खास पोलिंग बूथ पर किया मतदान। लोगों से वोट डालने की अपील। छठे चरण के लिए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने की वोटिंग। महिलाओं से अपील करते हुए कहा, महिलाओं की इस देश में भागीदारी की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी पर दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग का लगाया आरोप। कहा, वोटिंग से पहले पुलिस के साथ एलजी ने की मीटिंग। पूर्व सीएम मायावती ने लोगों से की वोट डालने की अपील। ट्वीट कर लिखा, कल्याणकारी सोच वाली सरकार चुनने के लिए करें मतदान। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, उनके पार्टी के लोग ही केजरीवाल के साथ नहीं है, हम दिल्ली की सभी 7 सीट जीतेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदोड़ी ने जीत का किया दावा। कहा, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। केजरीवाल का नहीं पड़ेगा कोई असर। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया मतदान। बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी यहां आसानी से जीत रही है। यमुनानगर में कृषि मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर ने डाला वोट। मतदान को बताया नागरिकों का कर्तव्य। कहा, लोग जरूर डालें वोट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने नेताओं के साथ पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। वोटिंग का लिया जायजा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में डाला वोट। अपनी मां के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे कपिल मिश्रा। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार मोहन लाल ने डाला वोट। विपक्ष को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट। रांची में किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। अपनी पत्नी के साथ यूपी के मथुरा में डाला वोट। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने चरखी दादरी में किया मतदान। भारतीय पहलवान बबीता फोगाट के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। अनंतनाग में वोटिंग के दौरान धरने पर बैठी महबूबा मुफ्ती। सुरक्षा कर्मियों पर पीटीपी कार्यकर्ताओं को रोकने का लगाया आरोप। एलजी पर भी सादा निशाना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर 5 ईवीएम में बीजेपी का टैग लगे होने का आरोप लगाया।
टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा ईवीएम की कमिशनिंग के दौरान मौजूद थे बीजेपी के प्रतिनिधि, इसीलिए बीजेपी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर। मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल का विरोध, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे, अग्निमित्र पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी नेता की हत्या, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में गंभीर रूप से घायल हुआ था टीएमसी नेता, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। बंगाल के नंदीग्राम में मतदान से पहले मिले कई बम, टीएमसी पर लोगों को बम से धमकाने का आरोप, कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है मतदान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव के दौरान हिंसा, टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप है, 7 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। बिहार की वैशाली में 115 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान, पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने डलवाया वोट। बिहार के पाटलिपुत्र में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, आरजेडी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा बिहार में लालटेन ने अंधेरा फैलाया। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा संविधान बदलकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है विपक्ष, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया पर्दाफाश। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी को बताया हिंदू विरोधी, कहा इंडी गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का फैसला, कोलकाता में 28 मई से 60 दिनों तक लागू रहेगी धारा 144, हिंसक प्रदर्शन की आशंका के चलते फैसला। ममता सरकार के फैसले पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने उठाए सवाल, कहा ममता बनर्जी ने कोलकाता को श्रीनगर बना दिया है। पटना में ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा वे आरक्षण और संविधान दोनों खत्म कर देंगे, बीजेपी का इरादा साफ है। Z News.